हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मिक्सर ग्राइंडर का रिव्यू एंड डेमो। तो वो मिक्सर ग्राइंडर है ये, दिस वन। तो मैंने मंगाया है सुजाता डायनेमिक्स मिक्सर ग्राइंडर। इसका मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यू और जो इसकी बारे में थे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने पाया कि जो सुजाता डायनेमिक्स मिक्सर ग्राइंडर है वो बेस्ट है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और जो उसकी मोटर है वो 900 वॉट की है। तो जो इसका मोटर है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। बॉक्स को मैंने अमेजोन से परचेस किया, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसे इस तरह से अब मैं ओपन कर लेती हूँ, तो देखती हूँ इसके साथ साथ क्या चीज़ें मिली हैं। तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि 3 जार है। जो ये है ये सबसे बड़ा जार है, दिस वन मिडिल जार, ये स्मॉल जार। और इसके साथ साथ ही मिली है इसकी ये मोटर, तो आप देख सकते हैं कि एक ब्लेड है, ये नाइफ, और इसके साथ ये बुकलेट्स मिली हैं। तो अब इनको हम सब रख देते हैं साइड। तो ये मोटर है जो बहुत ही पावरफुल है और 900 वॉट की है, और इसकी जो वारंटी है वो 2 ईयर है। और नेक्स्ट जार जो है ये आपकी लस्सी, छाछ, इन सब को बनाने के लिए यूज़ होता है। और जो मिडिल वाला है इसमें आप ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग दोनों, वेट एंड ड्राई दोनों होता है। और ये जो छोटा वाला स्मॉल वाला है चटनी के लिए। तो यहाँ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मोटर के अंदर क्या क्या फीचर है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मोटर है, हैवी है, और जो इस ये 900 वॉट का है। और इसकी जो ब्लेड है आप देख सकते हैं कि स्टील की, जो पहले आती थी ब्लेड वो प्लास्टिक की रहती थी जो जल्दी से टूट जाती, तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफ का है, और यहाँ पे ऑन करेंगे लो, मीडियम एंड हाई, इस तरह से आप स्पीड को मेनटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे है विप के लिए, जैसे आप लस्सी छाछ बना रहे हैं तो उसमें फोम या झाग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और आप इसके साथ जो देख सकते हैं कि केबल है वो काफ़ी लंबा है, तो आप देख सकते हैं कि जो उसका केबल है काफ़ी लंबा है, आप कहीं पे भी लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इसका पॉइंट है। नेक्स्ट जो हम इसके बारे में जार के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जार जो है काफ़ी बड़ा और ह्यूज साइज़ का, ये 1.5 लीटर का जार है। तो आप ये जार जो है देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, तो जिससे आपको दिखाई देगा कि अंदर क्या चल रहा है। तो जो ये जार है अनब्रेकेबल है, तो और जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से अंदर से दिख रहा है। तो इसमें जैसे जो मिल्क शेक है, स्मूदी, जूस बहुत ही अच्छे और मस्त तरीके से बनते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लेड है, ब्लेड भी काफ़ी अच्छी है, और जो इसकी कैपेसिटी अच्छी होने के कारण आप इसमें 1.5 लीटर तक जूस, स्मूदी ये सब बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसका पॉइंट है। और इसमें इस तरह से देखिए लॉक करने के लिए दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मिडिल जार के बारे में। तो ये है मिडिल जार, और ये देख सकते हैं कि ये इसमें इस तरह से रबर लॉक है। बड़े वाले में जो था क्लिप लॉक था, इसमें इस तरह से रबर लॉक दिया है, और इस रबर को आप रिमूव करके भी क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से ये रिमूव हो जाता है, तो इसके अंदर डस्ट है वो, मतलब मसाले वसाले कुछ फंस गए हैं तो उसको अच्छे से निकाल के क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, और सबसे ज़्यादा यही जार यूज़ होता है, क्योंकि इसमें आप वेट और ड्राई दोनों तरह के चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें जैसे गरम मसाला और कोई भी आपका ड्राई चीज़ है उसको पीस सकते हैं, और जो वेट चीज़ है उसको भी इसमें, जैसे आपको
बैटर बनाना है किसी चीज़ के लिए, डोसा वोसा, तो इसमें ही पीसा जाता है। तो मतलब ड्राई और वेट दोनों यूज़ होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जार। नेक्स्ट है स्मॉल जार, कितना क्यूट सा जार है। तो ये जार जो यूज़ होता है मोस्टली चटनी के लिए यूज़ होता है, तो आप इसमें चटनी बहुत ही अच्छे से पीस सकते हैं। और जो चटनी है बहुत ही अच्छी पीसती है, क्योंकि जो इसकी ब्लेड देख रहे हैं आप बिल्कुल नीचे से टच हुई है, तो जिसकी वजह से जो इसके अंदर चटनी, जैसे आप धनिया की चटनी और टमाटर की चटनी कुछ भी बना रहे हैं, तो बहुत अच्छे से ये ग्राइंड करता है। तो इसका एक मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट ये है कि आपके पास अगर मतलब स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर आपको चटनी बनाना है, तो उस बहुत ही अच्छा स्मूथ चटनी बनाता है, क्योंकि इसकी जो ब्लेड है बहुत नीचे। मैं पहले दूसरा मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करती थी, और मैं उसमें अगर स्मॉल क्वांटिटी में चटनी बनाना चाहती तो अच्छे से ग्राइंड नहीं होता था, मतलब वो बिल्कुल पेस्ट नहीं बनता था, तो वो दरदरा रहता। तो मुझे इसका जो चटनी वाला जार है इसलिए बहुत ही अच्छा पसंद आया। तो इसके साथ देख सकते हैं ये बुकलेट मिला है, तो इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या सावधानी रखनी है, कैसे चलाना है, और क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं, मोटर किस तरह से है, कैसे यूज़ करना है, बड़े जार का, स्मॉल जार का, और मिडिल जार का क्या वर्क है। और इसके साथ साथ ये देख सकते हैं कि स्पैचुला मिला है और ये ब्लेड मिला है, अगर किसी भी जार की ब्लेड ख़राब हो जाती है तो उसमें आप इसे लगा सकते हैं। तो मोटर कितनी आवाज़ करती है चलने पे, तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि जो जार है वो कितना अच्छा सा ग्राइंड करता है। तो मैंने यहाँ पे लिया गरम मसाला, आपको पीस के दिखाती हूँ। तो मैंने इसको लो स्पीड पे करके ही ग्राइंड किया, तो देख लेते हैं कि किस तरह से ग्राइंड हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लो स्पीड पे ग्राइंड करने से कितना अच्छा ग्राइंड हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने लो स्पीड पे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही ग्राइंड किया और कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया, बिल्कुल एकदम हमारा गरम मसाला बनके रेडी हो गया। और घर पे आप अपना शुद्ध गरम मसाला बना सकते हैं। तो लास्ट में मैं इसका जो कंक्लूजन है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जो इसका गियर होता है वो मेटल का बना होता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ये 90 मिनट आप इसे कंटिन्यूसली चला सकते हैं। इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही लो होती है, और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और नो नॉइजिंग मोटर है, और इसकी ये जो है वो सेफ़ होती है, ट्रबल सेफ होती है और प्रूफ होती है, जिससे सॉफ्ट और ये सब चीज़ें लगने का कोई भी खतरा नहीं होता है। तो लास्ट में मैं ये कह सकती हूँ कि जो सुजाता डायनेमिक्स है वो रोज़मर्रा की किचन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू और डेमो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।